कैसे हैं आप लोग? हम और हमारे फैमिली एकदम मस्त है भाई, एकदम मस्त। आपने तो पूरा एक छक्काबाजी का छक्का उड़ा दिया। और वीडियो को बिना स्किप करके पूरा देखो, मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात कहूंगा आप सभी को जो आपको दिल में लगेगा। तो ना आप सभी को दिख रहा है कि मैं ड्राइंग को स्टार्ट किया हूँ कलरिंग कर का। और कलर करने से किसी को कलर करने से पहले हम सभी जानते हैं कि बैकग्राउंड को पहले कलर किया जाता है। बैकग्राउंड एट फर्स्ट होती है। तो देखो ये एक सिंपल पेपर है, इट इज़ नॉट अ हैंडमेड पेपर। मैं आपको कह चुकी हूँ कि मैं हैंडमेड पेपर नहीं यूज़ करती हूँ। और देन देखो वाटर का इफेक्ट पेपर में आपको देख के समझ आई कि ये हैंडमेड पेपर नहीं है। और देखो उसके बाद उसको सूखने के बैकग्राउंड को सूखने के बाद हम फेस में कलर दे रहे हैं। जिस कलर जगह में शेडो होगी उस जिस जगह में डीप कलर दे रहे हैं। एज फर्स्ट उसको मैं क्रोम योलो यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद मैं वर्मिलियन कलर यूज़ करूँगा। सो गाइस आप देख रहे हो, देन आपको आपको ये नहीं लग रहा है कि ये वीडियो बनाने में मुझे कितना टाइम लगा है, मैं आपको बता दूँ। ओके देन मैं सब यूट्यूबर के बारे में बोलूँगा इस वीडियो में। देन आपको अब देख कर समझ रहे हो कि इस वीडियो को बनाने में लगभग कई घंटे मुझे टाइम लगे हैं। इसका एक अच्छी तरह आउटलाइन बनाने में हमको टाइम लगता है। हम सभी क्रिएटर को आर्टिस्ट को बोलो, ये मैं ग्रिड लाइन मेथड नहीं यूज़ करता हूँ, मैं फ्री हैंड आउटलाइन करती हूँ। ओके देन ओके आपको मैं कहती हूँ इसका आउटलाइन करने में लगभग घंटे तक लग जाते हैं। ओके देन इसको कलरिंग करने में, उसके बाद वाटर कलर में सूखने में, शेडिंग करने में, स्ट्रोक देने में सही तक टाइम 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं वाटर कलर करने में। देना आपको देना देखो कितना टाइम हुआ, 24 घंटे से हम 4 घंटे इंस्पायर कर चुके हैं। ओके देन 4 घंटे हमारे बीत गए 24 घंटे में, और रहता है 20 घंटे। ओके देन इस 20 घंटे के हम इस वीडियो को एडिट करने में, अच्छे तरीके से एडिट करने में हमको चला जाता है कितना टाइम, नहीं अच्छे तरीके से हम एडिट करेंगे तो 4-5 घंटे लगेंगे। और उसके बाद एक वीडियो एडिट करने में सबसे कम टाइम लगता है 1 घंटे, 1 घंटे तक एडिट करना पड़ता है। ओके देन इसको एडिट करने में तो मेरा 2.5 घंटे लगे हैं। ओके देन 2.5 घंटे तक एडिट करने के बाद तो हम कितना टाइम इस पर किया देखो, उसके 4 घंटे और इसे 2.5 घंटे। ओके 6.5 घंटे हम बिता चुके हैं 24 घंटे से। ओके देन आपको एक थंबनेल क्रिएट करना है इसके बाद। ओके थंबनेल क्रिएट करने से कितना टाइम लगा है, मिनिमम मैं कहता हूँ 30 मिनट। ओके 30 मिनट के ज़्यादा हो तो 1 घंटे तक लग ही जाते हैं। थंबनेल को कैसे बनाना है, कैसी क्रिएटिविटी दूँ थंबनेल में, ऐसे सोच कर हमको बनाना पड़ता है किस तरह थंबनेल होगी। ओके देन आप तो समझ रहे हैं ना हम आर्टिस्ट है। ओके देन हम आर्टिस्ट को एक ड्राइंग को करने में आउटलाइन, प्रोपोर्शन ये सब ठीक करने में बहुत टाइम लग जाता है। ओके वीडियो को अपलोड करना पड़ता है। ओके इतना टाइम हम यूट्यूब में इंस्पायर करते हैं, तो फिर उसके बाद हमको क्या मिलता है, कुछ भी नहीं, कोई हमको सपोर्ट भी नहीं मिलता है। ओके देन इस टिकटॉक के बात कहूँ तो टिकटॉक में बहुत से यूज़र है, यूट्यूब से कम है। ओके देन टिकटॉक में क्या होता है, बस 15 सेकेंड का एक वीडियो, बस 15 सेकंड का एक वीडियो, कुछ छोटी मोटी ड्राइंग करके उसमें मिलियन 100K 200K ऐसा लाइक आता है। तो यूट्यूब में हमारे 100 लाइक भी नहीं आते हैं या 100 व्यू भी नहीं होते हैं एक दिन में। और देखो टिकटॉक में टैग यूज़ करने से उसका वॉच टाइम अच्छा होता है, उसका वीडियो वायरल हो जाता है। देखो ऐसे करके वो वीडियो वायरल करते हैं, लेकिन हम यूट्यूबर्स इतने मेहनत करके वीडियो बनाते हैं उसके बाद भी हमारे वीडियो नहीं वायरल होते, ये तो एक नेगेटिव है ना। मैं आपसे कहूँगा आप एक आर्टिस्ट या आप एक क्रिएटर हो या फिर आप कोई भी हो, आपकी क्रिएटिविटी है मन में या फिर ना हो, आप एक यूट्यूब चैनल खोल के तो देखिए कि हमारे लाइफ कैसा है, हम कितना मेहनत के बाद इतना व्यू आते हैं, तो एक बार सोचिए
आप एक दिन, ज़्यादा नहीं, एक दिन ये मेहनत करके तो देखिए, इतने घंटे तक घंटे काम करने के बाद हमको सपोर्ट नहीं मिलता है, उसके बाद आपके मन में क्या चलेगा, एक बार सोचिए तो, एक बार सोचिए। और पर टिकटॉक में कुछ कुछ लोग हैं बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं, मैं तो उनको कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत मोटिवेटेड भी है टिकटॉक में, ओके। देन कुछ लोग हैं बैड कंटेंट लेके ज़्यादा अच्छा लाइक आते हैं, ओके। कुछ कंटेंट में कुछ है ही नहीं, वेरी बैड कंटेंट, उसमें लाइक आते हैं। ऐसे वीडियो आप सभी जानते हैं कैसा कैसा वीडियो टिकटॉक में बैड कंटेंट का मिलता है, मैं उसको यूट्यूब में नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इसमें कम्युनिटी गाइडनेस का वायोलेशन हो सकता है मेरे वीडियो पे। तो गाइस आप तो समझ रहे हो ना कि हम कितना मेहनत के इतना मेहनत करते हैं लेकिन हमको सपोर्ट नहीं मिलता है। तो मैं आप सभी को कहूँगा, आप सभी हमको सपोर्ट करें, हम आपको ज़रूर। वीडियो को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, एंड वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, एंड सब्सक्राइब करने मत भूलना। सब्सक्राइब करोगे तो मैं भी आपका चैनल सब्सक्राइब करूँगा।